बीते 19 मार्च को दीनदयाल नगर क्षेत्र के ढांचा भवन में हवाई फायर कर दहशत फैलाने वाले सात बदमाश को आखिरकार मकरोनिया पुलिस ने सागर के स्रौन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश आशीष मिश्रा पर मकरोनिया थाना सहित अन्य थानों में करीब 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं, जो हमेशा से ही पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। दरअसल बीते 19 मार्च को आशीष मिश्रा का ढांचा भवन क्षेत्र में पानी की टंकी के पास कुछ युवकों से विवाद हुआ था और इस दौरान आशीष ने करीब 14 राउंड फायर कर दहशत फैलाई थी। हालांकि जब तक मकरोनिया पुलिस मौके पर पहुंची थी, तब तक आशीष मिश्रा फरार हो चुका था। बीते करीब 13 दिन से पुलिस आशीष की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस ने जब आशीष को गिरफ्तार किया तो उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वहीं बुधवार शाम मकरोनिया पुलिस ने मकरोनिया चौराहे से आशीष मिश्रा का जुलूस भी निकाला, साथ ही अपराध करना पाप है के नारे लगवाए। सब इंस्पेक्टर से ओम दुबे ने बताया कि इस बदमाश का जुलूस निकालने से पीछे दूसरे अपराधियों को अपराध ना करने का संदेश देना था और जो भी अपराध करेगा उसके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। ये पिछले महीने की 19 तारीख को दीनदयाल नगर में पानी की टंकी के पास फायरिंग की घटना घटी थी, जिस पर से 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें काफ़ी समय से आरोपी फरार चले थे। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया था, एक आरोपी ने कल न्यायालय में सरेंडर किया था और जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, इसलिए काफ़ी समय फरार चल रहा था, जिसको आज मकरोनिया पुलिस के द्वारा जो है सिरोंजा क्षेत्र से पकड़ा गया। आरोपी के ऊपर 18 मामले हैं, जो नाबालिग से लेकर के अभी तक लगातार 18 मामले पंजीबद्ध हैं, जिसमें डकैती जैसे गंभीर अपराध भी पंजीबद्ध हैं। एक आरोपी ने सरेंडर किया है, तरुण करके नाम है, तरुण सोनी जी, उनके द्वारा न्यायालय में समर्पण किया गया था, जिसकी पीआर लेकर के कार्रवाई की गई थी। इसको सिरोंजा क्षेत्र से पकड़ा गया। सभी को यही है कि वो अपराध करने से कोई रंगदार नहीं होता है और सभी के लिए पुलिस जो है एक एक प्रकार से काम करती है, जिस प्रकार से पुलिस को करना चाहिए।